नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई के रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। वाईफाई के रिपोर्ट पर आज हम केमिस्ट्री में एक कमाल का नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है जो कि यह नेम रिएक्शंस केमिस्ट्री में लोअर क्लास लेकर हायर क्लास में इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में देखा जाता है। केमिस्ट्री के हर एग्जाम में कॉम्पिटिशन हो या अकेडमी हो, आखिर क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, आज उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा निम्न रिएक्शन है पार्किंग रिएक्शन। क्या है पार्किंग रिएक्शन? आज हम लोग पार्किंग रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। आखिर पार्किंग रिएक्शन होता क्या है? इसके नाम से तो अजीब लग रहा है, पार्किंग रिएक्शन। अरे भाई, पार्किंग रिएक्शन, रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड का कंडेंसेशन हो जाएगा सिनेमिक एसिड में। एल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा वो कंडेंस कर जाएगा इसमें सिनेमिक एसिड में। तो ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, साथ में बेंजीन एल्डिहाइड। ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिनेमिक एसिड। ये हमारा सिनेमिक एसिड। और इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड का कंडेंसेशन किसके साथ होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट और पोटेशियम एसिटेट, दैट इज सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट जो कि एसिटिक एसिड का हो, दैट इज वीक बेस का हो। यहां पर ये प्रश्न होता है और क्या बना देता है, सिनेमिक एसिड। अब इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, पार्किंग रिएक्शन। आपको देख पा रहे इसी का नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका पार्किंग रिएक्शन होता है, सिनेमिक एसिड डिसइंफॉर्मेशन होता है। तो इसके मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो सोडियम और पोटेशियम एसिटेट होता है वो क्या होगा, आयनाइज करेगा अपनी को आयनाइज करेगा, ये आपको आयनाइज करेगा और क्या बनाएगा, एसिटेट आयन बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, सोडियम। अब ये जो हमारा स्टेट आयन बना हुआ है, ये जो स्टेट आयन बना हुआ है, अब देखिए स्टेट आयन क्या करेगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड आपको दिख रहा है उसके अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या करेगा, डी प्रोटोनेट करेगा। क्या करेगा, डी प्रोटोनेट करेगा। अब इसे पता ही, अल्फा हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट कर दें तो इस पर एन आयन मिलेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये क्या करेगा, ये एस प्लस को लॉस करेगा और इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बना देगा, ये एन आयन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आपको निकल जाएगा माइनस सी एस थ्री सी डबल एच, और आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा सी एस टू, रेडिकल चार्ज हो जाएगा, ये आपका एक कंपोनेंट होगा। उसके कार्बोनिल पर, बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल पर ये क्या करेगा, ये कार्बोनिल होगा, बेंजाल्डिहाइड का कार्बोनिल होगा, उस पर क्या होगा, ये एन आयन क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, दैट इज CH2 माइनस यहां पर होगा, यहां पे सी डबल ओ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर कन्वर्ट टू बॉन्ड पेयर एंड पाई कन्वर्ट टू लोन पेयर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर ओ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा सी एस टू, ये हमारा कंपोनेंट बन जाएगा, ये हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। अब ये जो बना हुआ कंपोनेंट है, हम इसको थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन। इस स्टेप में जब प्रोटोनेशन होगा तो ये प्रोटॉन किस पर ट्रेक करेगा, ओ माइनस ट्रेक करेगा, ये आपका बन जाएगा एक कंपाउंड, बन जाएगा एल्कोहलिक कंपाउंड, एल्कोहलिक एसिड कंपाउंड बन जाएगा। और एल्कोहलिक एसिड कंपाउंड जस्ट बनने के बाद, अब यदि एल्कोहलिक कंपाउंड बन जाएगा तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में, नाउ फोर्थ स्टेप में, ये फोर्थ स्टेप में क्या कर जाएगा, डिहाइड्रेशन करेगा। और जब डिहाइड्रेशन जब करेगा तो आप फिर देख सकते हैं कि इस फोर्थ स्टेप में इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे, ये फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इसका
डिहाइड्रेशन होगा, अगर डिहाइड्रेशन होगा किस टाइप का डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बताओ यहाँ पर ये कौन सा होगा, ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा, अल्फा होगा और क्या होगा बीटा। तो बताओ अल्फा बीटा जब एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से क्या होगा OH और बीटा से क्या होगा यस, हम इसको दिखा सकते हैं। अल्फा से क्या होगा OH और बीटा से क्या होगा एस, क्या कर जाएंगे एलिमिनेट कर जाएंगे। और किस ग्रुप एलिमिनेट करेंगे, वाटर ग्रुप में एलिमिनेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इस टाइप से हमारा क्या होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर्स होगा ये स्ट्रक्चर्स में देखिए माइनस एस टू ओ हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सी थ्री एस होगा, ये एच होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एस होगा और ये सी डबल बॉन्ड वो यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा जो कंपाउंड आपको दिखेगा इसका हम फिर क्या करेंगे, ये किस स्टेप में हम लोग हैं फोर्थ स्टेप, इसमें फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या किया गया बोलो, फोर्थ स्टेप में क्या कर दिया गया, डिहाइड्रेशन किया गया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ। नाउ फिफ्थ स्टेप, जब इसको हम फिफ्थ स्टेप में जाएंगे, इसके फिफ्थ स्टेप में इसका क्या होगा हाइड्रोलिसिस। फिफ्थ स्टेप में क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ब्रेकिंग ऑफ वाटर करेंगे। और जब ब्रेकिंग ऑफ वाटर करेंगे तो कहां से ब्रेक करेगा बताओ, ये ग्रुप ब्रेक करेगा इस पोजीशन से ब्रेक करेगा, प्लस एक को क्या मिलेगा OH माइनस, यहाँ पे मिलेगा एस प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा OH माइनस। और ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा एक एसिटिक एसिड में और एक सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें कंपाउंड मिल जाएगा सिनेमिक एसिड। ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड हमें मिल जाएगा सी डबल OH, ये सिनेमिक एसिड मिल जाएगा प्लस क्या बाहर हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्या बाहर हो जाएगा एसिटिक एसिड।